सुबह में सब्जी मंडी जाना है और आपके घर से सब्जी मंडी 10 मिनट की दूरी पर है और आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला आप व्हीकल से जा सकते हैं या दूसरा आप पैदल जा सकते हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप पहला ही ऑप्शन चूज करेंगे, आप व्हीकल से जा सकते हैं। पर उसके बजाय अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 15 मिनट रोज पैदल जाना आपकी सेहत को कितना अच्छा कर सकता है। अगर आप रोज 15 मिनट पैदल चलेंगे तो आपकी हेल्थ जरूर इंप्रूव होगी। इसे कहते हैं स्लाइट एज, यानी कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और अपनी जिंदगी में इंप्रूव लाना। इसी तरह से सक्सेसफुल पीपल अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और अपनी जिंदगी को इंप्रूव करते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। जैसे कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, पर उसकी बजाय वो सिर्फ अपने जिंदगी में से, अपने दिन में से सिर्फ 15 मिनट अपने बच्चों के पीछे उनको सिखाने में, अच्छी बातें बताने में बिताए, तो वो बच्चा 1 या 2 साल में उसकी हैबिट्स, एटीट्यूड्स, स्किल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। इसी को कहते हैं स्लाइट एज, यानी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, छोटे डिसीजंस, छोटे एक्शंस और उसको इम्प्रूव करना और कामयाब होना। इसी तरीके से आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और सोशल प्रॉब्लम को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी स्टोरी मैंने स्लाइट एज बाय जेफ ऑल्सन की बुक में से बताई गई है। अगर ये बुक आप खरीदना चाहते हो तो मेरे YouTube में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें लिंक दी गई है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।